नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। आज मैं आपको बताऊंगी माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी उन सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। क्या आपने विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12 जैसे कई नाम सुने हैं? यही वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। ये मिलते हैं फलों से, सब्जियों से, दालों से और दूध से बनी चीजों से। ये बच्चे के शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं और बीमारियों से भी बचाते हैं। जब बच्चे को ये जरूरी पोषक तत्व पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं तो शरीर में इनकी कमी हो जाती है। इस कमी को छिपी भूख भी कहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा खाना तो खा रहा होता है लेकिन उसके विकास के लिए जरूरी पौष्टिक चीजें नहीं खा रहा है, तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर बच्चे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बनी रहे तो बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। बच्चे को लंबी चलने वाली बीमारी का खतरा होता है। इसको और अच्छे से समझाती हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है और उसके शरीर और दिमाग के विकास में कमी हो सकती है। अगर समय पर इलाज न हो तो ऐसे बच्चे में बार बार बीमार होने की शिकायत रहती है। किशोरावस्था में भी ऐसे बच्चे को खतरनाक इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिसका असर उसके स्कूल के काम व खेलने पर पड़ता है। बड़े होने पर ऐसे बच्चे को गंभीर बीमारी का खतरा रहता है और ऐसे ही इनकी कमी से बुरा असर उस बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। औरतों में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो तो वो कम वजन के बच्चों को जन्म दे सकती हैं, उनको गर्भ ठहरने में दिक्कत हो सकती है और गर्भावस्था में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं, बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। आपके बच्चे में किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका बच्चा सभी तरह के फल, सब्जियां, दाल, मक्का, गेहूं, चावल, सूखे मेवे और दूध से बनी चीजें खाता हो, लंबे समय तक भूखा ना रहे। आशा या ANM के पास अपने बच्चे की जांच के लिए जाते रहें। डॉक्टर, ANM या आंगनवाड़ी दीदी ने जो विटामिन सिरप दिया है वो आप बच्चे को पिलाते रहें। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में ज्यादा जानने के लिए डॉक्टर या ANM दीदी से सलाह लें।